नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भक्ति मंत्र में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का पावन महीना चल रहा है और ये महीना शिव भक्तों के लिए बहुत खास होता है। इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस महीने में भोलेनाथ की पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ये महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। सभी भक्त इस महीने में व्रत और पूजा करते हैं। दोस्तों, इस महीने में कुंवारी लड़कियां अच्छे पति की कामना करती हैं और वहीं सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी, शिवरात्रि और हरियाली तीज का व्रत भी रखती हैं। शाम के समय में प्रसाद खाने के बाद सात्विक भोजन करती हैं। दोस्तों, विशेष रूप से महिलाओं को इस महीने में कुछ कार्यों को नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को करने से पूजा और व्रत असफल मानी जाती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो कौन से कार्य हैं जिनको करने की मनाही होती है। सावन में देर तक नहीं सोना चाहिए। इस महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन के महीने में काले कपड़े पहनना नहीं अच्छा माना जाता। खास तौर पर महिलाओं को इस महीने में हरे रंग का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि सुहागिन महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। शास्त्रों में भी सावन के महीने में हरे रंग का खास महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि मासिक धर्म में महिलाओं को शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए और न ही उन्हें छूना चाहिए। इस समय में अपने स्वास्थ्य और साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, सावन में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के दौरान तुलसी, हल्दी और केतकी के फूल से पूजा नहीं करना चाहिए। आप भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि चढ़ा सकते हैं। इस महीने में सात्विक भोजन करें। सावन में प्याज, लहसुन, मांस, मछली खाना वर्जित माना जाता है। सावन में व्रत और पूजा के दिन बैंगन और मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पत्तेदार साग सब्जियों का भी सेवन वर्जित है, क्योंकि इसमें कीड़े लगे होते हैं और ये हमारे सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके रहना चाहिए, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, पायल, बिछिया आदि जरूर धारण करना चाहिए और हरे लाल रंग के वस्त्र पहनना चाहिए, सज संवर कर रहना चाहिए। जो महिलाएं ये सब कार्य करती हैं और सज संवर कर 16 श्रृंगार करके सावन के महीने में प्रतिदिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं, उनके घर में भोले बाबा और माता पार्वती सदैव विराजमान होते हैं और उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि खुशहाली बनी रहती है। साथ ही उनके पति की लंबी आयु होती है और सभी सुखों का वो भोग करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी आज की ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।